हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आई एस। माई नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम 30 मार्च 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, एवरीवन काउंट्स। केंद्र सरकार ने हाल ही में डिसीजन लिया कि 2021 का जो सेंसस का जो फर्स्ट फेज था, जो कि अप्रैल से शुरू होना था, उसको वो पोस्टपोन कर देंगे क्योंकि कोविड-19 का आउटब्रेक अभी चल रहा है और पूरी दुनिया में जो है इससे लगातार परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। 21 दिन का जो नेशनल लॉकडाउन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अप्रैल तक लगाया गया है, हो सकता है कि इसके बाद भी जो है नॉर्मल जो लाइफ होती है वो रिस्टोर होने में कुछ समय लग जाए। इंडिया इज स्ट्रगलिंग टू मेक सेंस ऑफ द एक्सटेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द पेंडेमिक। ये जो पेंडेमिक है, इसकी इंटेंसिटी, इसका एक्सटेंट, इंटेंसिटी यानी इसका प्रभाव, इसका एक्सटेंट किस हद तक ये जा सकता है, ये अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक कैलेमिनिटी यानी जो आर्थिक जो समस्याएं हैं वो भी साथ में आ रही हैं। इनएविटेबल यानी जो रोक नहीं सकता, जो आएंगी ही आएंगी। व्हाट इज़ फॉर सर्टेन इज़ दैट ऑल रिसोर्सेज पब्लिक एंड प्राइवेट विल नीड टू बी मोबिलाइज्ड। अभी जो चीज़ पक्की है वो ये है कि चाहे कोई सा भी रिसोर्स हो, पब्लिक प्राइवेट दोनों को मोबिलाइज करना पड़ेगा। किसके लिए? पहले तो ये मैलेडी यानी पेंडेमिक यानी जो कोविड-19 है, इससे कॉम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए। दूसरा, सोसाइटी और इकोनॉमी जो इसको कोविड-19 को ख़त्म होने के बाद भी जूझ रही होगी खराब अर्थव्यवस्था से, खराब जो है इकोनॉमी से, उसको ठीक करना पड़ेगा। सेंसस की अगर मैं बात करूँ, 1 अप्रैल से जो शुरू होनी थी वो, उसमें लोग जो है, ऑफिसर्स जो है वो जगह जगह जाते, मास कॉन्टैक्ट वहाँ पर होता, रिसोर्सेज का डाइवर्जन होता, पैसा लगता, खूब सारी चीज़ें लगती। तो अप्रैल से जो सितंबर होना था उसको पोस्टपोन इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पे जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो प्रायोरिटी पहले कोविड-19 को रोकना है। तो ठीक है, सेंटर ने जो है पहले फेस्ट को पोस्टपोन किया और डेट भी नहीं बताई, कहा कि जब तक ऑर्डर ना आ जाए तब तक इसको नहीं शुरुआत करेंगे। अब राज्य सरकारें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपना जो है पूरा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उनको सेंसस में देखो क्या होता है कि ऑफिसर्स जो होते हैं वो राज्य सरकार के ही होते हैं। राज्य सरकार को कोऑपरेशन देना पड़ता है अपने ऑफिसर्स के साथ, अपने ऑफिसर्स को भी लगाना पड़ता है केंद्र के साथ। तो अपनी अभी सारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी कोविड-19 से लड़ने में लग रही है। अब 1 अप्रैल से अगर कोई चीज़ शुरू होती तो ये थोड़ा सा उनमें असमंजस की स्थिति थी कि क्या करें, लगाएं कि नहीं लगाएं, ऑफिसर्स को कितना लगाना पड़ेगा, तो वो सस्पेंड कर दिया। तो उसका मतलब ठीक है, एक अनएक्सपेक्टेड जो सस्पेंशन जो हुआ है सेंसस ऑपरेशन का, ये बेसिकली सही है। और एक नई जो है शुरुआत इससे होती है, नई एक विंडो खुलती है और बिल्कुल नए कंटेक्स्ट में निकलती है कि सेंट्रल स्टेट्स के बीच में किस तरीके से रिकंसिलेशन चल रहा है। इफ़ द NPR एक्सरसाइज एंड द अलाइड क्वेश्चंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप राइट्स हैड टर्न्ड इंडिया इनटू अ कॉल्ड्रन ऑफ डिस्कॉर्ड। NPR एक्सरसाइज की बात कर लो, सिटीजनशिप राइट्स की बात कर लो, NRC की बात कर लो, सब इंडिया को अगर डिस्कॉर्ड में बदल दिए, डिस्कॉर्ड मतलब असहमति, आपस में जो फूट हो रही है, राज्य सरकारें केंद्र की बात नहीं मान रही हैं, ये जो डिस्कॉर्ड की जो भावनाएं हैं ये क्यों है, क्या वजह है इसकी। और पेंडेमिक जो निकल के आया वो पूरी दुनिया की, पूरे देश की अटेंशन एक जगह ले गया कि पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, एक जगह इफेक्ट पड़ता है तो दूसरी जगह होता है, चाहे बॉर्डर सील कर दो, चाहे फ्लाइट्स बंद कर दो, हर जगह बीमारी कहीं भी पहुंच सकती है, नेचर कहीं भी पहुंच सकती है। ना वो रिलीजन, ना वो नेशन, ना आपकी कास्ट, वो कुछ भी नहीं देखती, वो केवल और केवल ये जानती है कि आप एक इंसान हो और आपको इफेक्ट किया जा सकता है। कुछ राज्य सरकारों ने ऑलरेडी CEA का अपोजिशन किया था। NPR की बात करें तो NPR में जो है ये शक्ता कि थोड़ा सा साइक्निकल है, डिवाइजिव है, सोसाइटी को बांटने का काम करता है, ऐसा जो आरोप इस पर लग रहा था। केंद्र सरकार ने क्लेरिफाई भी किया कि ऐसा नहीं है, कोई प्रश्न का जवाब आप नहीं देना चाहते तो नहीं दो, ज़बरदस्ती तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कंसर्न्स हैं जो ऊपर की, भाई हम जो डिवाइड नहीं करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसको कभी रोकने की कोशिश नहीं की गई। कभी जो ऐसा नहीं कहा गया कि सब लोग एक हैं, हम सब में आप में फूट नहीं डालेंगे आपस में। तो सेंटर ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया जा सकता है सेंटर के द्वारा, अगर स्टेट्स के साथ में रिलेशन अच्छे हो जाते हैं और हारमनी अगर कम्युनिटीज़ के बीच में बन जाती है, तो फिर जो है यहाँ पे जो अभी अगर आप देखो रिलेशन जो है वो थोड़े उथल पुथल लिए हैं, राज्य सरकारें आपस में बात नहीं करती, कम्युनिटीज़ के बीच में हारमनी नहीं है, तो अभी जो है इसको एक अपॉर्चुनिटी बदल सकते हैं हम। क्योंकि जब भी कोई एक्सटर्नल चैलेंज आता है, ये वायरस हमारा तो है नहीं, तो सारे लोग एक हो जाते हैं और इस एकता से ही हम बाहर के जो चैलेंजों से लड़ सकते हैं। अनशेकेबल नेशनल यूनिटी इज एसेंशियल फॉर द कंट्री टू टाइड ओवर द पेंडेमिक क्राइसिस। इस पेंडेमिक क्राइसिस से लड़ने के लिए देश को अनशेकेबल, बिना डगमगाने वाली नेशनल यूनिटी चाहिए। इफ इंडिया कैन कम आउट ऑफ दिस मोर यूनाइटेड एंड मोर रिजोल्यूट, द पेन्स ऑफ द पेंडेमिक विल फेड सूनर।
अगर इंडिया इस रिजोल्यूट तरीके से, यूनाइटेड तरीके से बाहर आता है, एकता के से, एकता से बाहर आता है, तो पेंडेमिक का ये जो दर्द है ये जल्द ही गायब हो जाएगा। कोरोना वायरस को अभी यहाँ पे कई नेशंस में जो है अभी काफ़ी एग्जामिनेशन इस पर हो रहा है, और कोरोना वायरस खुद जो है नेशनल पावर के ऊपर री एग्जामिनेशन करवा रहा है कई नेशंस को। यानी कि हम सोसाइटी में फूट डालते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, बाहर वाइट और ब्लैक की लड़ाई है, तो कोरोना वायरस एक तरीके से री एग्जामिनेशन करवा रहा है आपके विचारों को, देशों की जो आइडियोलॉजीज हैं, जो उनके पॉलिसीज़ हैं, कि आप क्या करना चाहते हो। आप तो फूट डाल रहे हो, नेचर जो है सबको एक साथ मार रही है। तो सेंटर को इस बैकड्रॉप को, इस अपॉर्चुनिटी को छीन लेना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी का पूरा इस्तेमाल करते हुए इंडिया की प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए, और सिटीजनशिप के लिए और एनपीआर के जो आइडियाज़ हैं उनको रिविजिट करना चाहिए कि किस तरीके से ऐसा बनाया जाए कि सोसाइटी में फूट ना हो। और इंडिया की प्रायोरिटी क्या है भाई, एनआरसी प्रायोरिटी है कि इकोनॉमी प्रायोरिटी, एनआरसी प्रायोरिटी है कि हेल्थ प्रायोरिटी, एनआरसी प्रायोरिटी है कि देश के जो गरीब हैं वो खान पीना वो प्रायोरिटी है। तो ये जो प्रायोरिटी हमको डिसाइड करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्डन ये बेसिकली श्रीलंका की जो है डोमेस्टिक स्टोरी है, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। लुकिंग बियॉन्ड जस्ट डायग्नोसिस एंड क्वारंटाइन, इस पर भी हम पढ़ेंगे। डी बॉर्डिंग ग्लोबल लीडरशिप इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर टू जरूर पढ़िए। कोरोना वायरस की यहाँ पे बात हो रही है, तो कोरोना वायरस के पूरी दुनिया लड़ रही है, बहुत लाइटिंग स्पीड पे लड़ रही है, और कलेक्टिव लीडरशिप में क्या क्या कमियाँ हैं ग्लोबल लेवल पे सारी एक्सपोज हो चुकी है। 3 महीने हो चुके हैं ये जो कैटास्ट्रॉफिक जो वार अभी डिक्लेयर किया गया है इस वायरस के द्वारा, जो कि मिटने का नाम नहीं ले रहा, कई जिंदगियों को इसने बर्बाद कर दिया, और सिटीजनशिप ना देखते हुए, रेस ना देखते हुए, कोई पहचान ना देखते हुए हर तरह के आदमी को इफेक्ट कर रहा है, और कोई भी अभी भी कॉम्प्रहेंसिव कंसंट्रेटेड प्लान ऑफ एक्शन ग्लोबल लीडर्स के द्वारा नहीं लाया गया। तो एक तरीके से ये एक, मैंने अभी भी पहले आर्टिकल में आपको बताया कि कोरोना वायरस देश के अंदर की जो समस्याएं हैं उनको भी सोल्व कर रहा है कि लोग आपस में रहें, अलग अलग रह के कुछ नहीं हो सकता, और ग्लोबली भी सोल्व कर रहा है भाई। ग्लोबली ट्रंप जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज से पीछे हट गए, इन्वायरमेंट पर सहमति बनती नहीं है, लोग जो हैं वो क्लाइमेट चेंज को एक बहुत बड़ा चैलेंज मान नहीं रहे, एक साथ आ नहीं रहे कंट्रीज़। तो एक तरीके से कोरोना वायरस एक अपॉर्चुनिटी ला रहा है कि तुम सबको साथ आना पड़ेगा, चाहे वो देश के लेवल पे हो चाहे वो दुनिया के लेवल पे हो। तो G20 जो मीटिंग हुई, जो कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई, काफ़ी खुशी की बात है कि जो G20 लीडर्स जो हैं वो $5 trillion का उन्होंने इंजेक्ट करने की कोशिश की है अपनी अपनी इकोनॉमीज़ में, टोटल मिला के अगर देखें अच्छी न्यूज़ है, अच्छी खबर है, लेकिन कलेक्टिव ओनरशिप अभी भी कमी है। चेक से पैसा देने से कुछ नहीं होता, गुडवार बैड एनिमी, जो कितनी अच्छी लाइन है, एनिमी बहुत बुरा है ये वायरस, बहुत बुरा, लेकिन वार अच्छा है। ये वार हमें याद दिला रहा है, वर्ल्ड लीडर्स को ये याद दिला रहा है कि देखो नेशनल चैलेंजेस आपके हैं, वर्ल्ड लीडर्स आर ऑब्वियसली ओवरहैम्ड विद देयर ओन नेशनल चैलेंजेस। हाँ, चाहे USA, UK, चाइना, रशिया, जर्मनी, सबको नेशनल चैलेंजेस झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पेंडेमिक को इंसानियत के अगेंस्ट एक कॉमन एनिमी नहीं मान रहे हैं। अभी भी वो कोशिशें कर रहे हैं कि पहले खुद के देश को बचा लें, और एक तरीके से ये उनके साथ नहीं होना चाहिए था, वो अभी भी सोच नेशनलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया से दूर हो जाए। चाइना ने शुरुआत की थी इसकी, WHO से पहले रिपोर्ट नहीं दी, फिर वायरस को बढ़ने दिया, तब जाके उसने बताया। ट्रंप की बात कहूँ तो ट्रंप ने शुरू में कह दिया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 2-3 महीने तक वो कहते रहे, बाद में ये सब हुआ, तो अब जो है वैक्सीन के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन से इन्होंने फ्लाइट वगैरह कैंसिल कर दी थी, यूरोपियन यूनियन को बताया तक नहीं था। हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने सार्क के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू की थी, इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि जब पूरी दुनिया अलग थलग हो रही थी तब हमने जो है लीडरशिप पुश करने की कोशिश की, हम लीडरशिप को जो है आगे लेने की कोशिश की है, जबकि पूरी दुनिया पुसलेनियस लीडरशिप दिखा रही थी। जो वर्ड देख रहे हैं पुसलेनियस, इसका मतलब है टिमिड, कावार्ड, डरपोक, एक तरीके से ऐसी लीडरशिप जो कि आगे नहीं आना चाहती, जो डरती है। तो देर इज़ नो एविडेंस दैट एट द ग्लोबल लेवल द पेंडेमिक हैज़ एबेटेड येट, कोई भी सबूत नहीं है अभी भी ग्लोबल लेवल पे कि पेंडेमिक हार चुका है और इसको कंट्रोल लाया जाएगा। नेशंस जल्दी ही इस वायरस को कब्जा कर लेंगे, इस वायरस पे जो है पूरी तरीके से इसको हरा देंगे, मात दे देंगे, लेकिन जो मासिव शटडाउन है ये
इसकी वजह से अगर ये सब हो जाए तो ये तो एक विशफुल थिंकिंग है, क्योंकि शटडाउन और फिजिकल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से कभी नहीं हो सकती। एक चैलेंज है कि यूनाइटेड स्टेट्स में ही नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, इंडिया में तो खास कर ही है। आपने देखा होगा मज़दूरों वाला जो अभी बवाल हुआ था, अभी जो इशू सामने आया था, ये लॉकआउट्स इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट साथ में लेके आता है। गरीबों को खाना नहीं मिलेगा, जीडीपी रुक जाएगी। अभी मूडी ने अनुमान लगाया कि भारत के जीडीपी अगले साल के लिए 2.5% होगी। कुछ लोग कह रहे हैं नेगेटिव में भी जा सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पता ही नहीं क्या होगा। तो जब तक वायरस पूरी दुनिया के किसी भी कोने में अलाइव है, एक भी आदमी को है तो ये पूरी दुनिया में फैल सकता है। तो जब तक वायरस पूरी दुनिया में कहीं भी है तो तब तक क्या फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी? भाई इंटरनेशनल ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन तुमने रिलैक्स भी कर दिया तो वायरस वापस आ सकता है ना। तो जब तक कोई वायरस हो तब तक क्या इस सारी इंटरनेशनल ट्रैवल को बैन कर दोगे? आप नहीं कर सकते। वायरस आते रहेंगे तो क्या सारे दिन लॉकडाउन रखोगे पूरी जिंदगी भर? नहीं रख सकते। तो यहाँ पे एपिडेमियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि जब तक हर्ड कम्युनिटी नहीं बन जाती, हर्ड इम्यूनिटी मैंने बताया था कि कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाए, जो लोग इम्यून है और वहाँ से वायरस की चेन टूट जाएगी, लेकिन इसके लिए दुनिया की आधी पॉपुलेशन को इन्फेक्शन से जूझना पड़ेगा और ये वायरस जो है तब तक जिंदा रहेगा, ठीक है, और वापस भी आ सकता है फिर। लेकिन एक बार हर्ड इम्यूनिटी पूरी हो गई, रुक गया, तो फिर जो है दोबारा नहीं आएगा। तो आइसोलेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का अपना एक मकसद है कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक घरों में रहिए और ट्रांसमिशन को रोकिए। लेकिन पूरी तरीके से तभी रुकेगा जब वैक्सीन बन जाएगी और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ये जो मिलेनियम है, सदी शुरू हुई हमारी सन 2000 से, ऑलरेडी 3 पेंडेमिक्स इसने जो है झेल चुका है। कोविड 19 जो है ये लास्ट नहीं है, और भी आते जाएंगे। युद्ध है, वार है, ये बैड एनिमी हमारा, कॉमन एनिमी, जिसकी कोई बॉर्डर की रेस्पेक्ट नहीं है, हर देश को परेशान कर रखा है इसने। ये ग्लोबल चैलेंज जो है, अगर ये कलेक्टिव ग्लोबल लीडरशिप से नहीं लड़ा जा सकता तो ये किसी से भी नहीं लड़ा जा सकता, ये मतलब है इस लाइन का। एंड येट द टाइपिकल रिस्पॉन्स बाय ऑल अफेक्टेड नेशंस, और जो अफेक्टेड नेशंस के द्वारा जो रिस्पॉन्स आया है वो केवल यह है कि नेशनल डिस्टेंसिंग कर दो, सोशल डिस्टेंसिंग कर दो, बॉर्डर सील कर दो, ना कोई बाहर जा पाए ना कोई बाहर आ पाए, प्रोविंसेस को सील कर दो। अब हाँ, बेशक ये एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, लेकिन अभी भी हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा, कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन हमको लाना पड़ेगा अगर जड़ से इसको ख़त्म करना है तो। दो डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में जियोपॉलिटिक्स में आपको नज़र आए थे, ग्लोबल पॉलिटी में नज़र आए होंगे। पहला तो ये कि लोग जो है नेशनलिज्म की ओर बढ़े हैं, लोग अपनी नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं और वर्ल्ड इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो है क्लाइमेट चेंज को छोड़ दिया और फिर जो है खुद के नेशनल इंटरेस्ट पर ध्यान देने लग गए, इमिग्रेशन पॉलिसी उन्होंने टाइट कर दी। दूसरा है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का बिखरना, यूनाइटेड नेशंस मान लो, ह्यूमन राइट कमीशन मान लो, WHO मान लो, WTO मान लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी सीट्स जो हैं ब्लॉक कर रखी है USA ने। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं, और खास करके WHO की मैं बात करूं, और खास करके मैं यूनाइटेड नेशंस की बात करूं जो 1946 में आया था, ये 80 साल इसको हो गए होंगे, करीब 75 साल हो गए। अभी 2020 में शायद ये 75वीं जो है वो मनाया था, 2019-20 में मुझे याद नहीं। करीब 80 साल इसकी पूरी लाइफ टाइम में इसने आज तक कोई भी इसकी एक्सपेक्टेशन ढंग से पूरी नहीं की, जिसने कुछ जो है ऐसा कुछ किया हो जिसकी इसकी उम्मीद लोगों की बढ़ गई हो इसके ऊपर, अपने मिशंस भी ढंग से पूरे नहीं कर पाया। WHO पे तो खैर इल्ज़ाम लग ही रहा है कि WHO ने कहाँ तक कोविड 19 के समय इमरजेंसी इसने घोषित कर दी, लेकिन पेंडेमिक घोषित नहीं कर रहा था। अब तो फिर भी सोलिडरिटी इनिशिएटिव लाया है जिसके द्वारा सारी कंट्रीज मिलकर ड्रग खोजेंगी, लेकिन अब तक ये कहाँ था? तो इंस्टीट्यूशन पे भरोसा उठ गया, अब क्या बच रहा है? G20। अगर वर्ल्ड लीडर्स को रियलाइज होता है कि कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन ही है जो इसको बचा सकता है, तो डिफ़िकल्ट नहीं है कि फटाफट एक कोई अच्छा सा मैकेनिज्म युद्ध में हम उतार दें। बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए इंटेंशन चाहिए, समझना आना चाहिए, क्योंकि आज जो हमारे सामने चैलेंज है वो इससे पहले कभी नहीं आया था।
G20 और कंट्रीज़ को मिलके इस चीज़ को रोक सकता है, जो इम्पोर्टेंट है ग्लोबल लीडर्स के लिए आज ये एक्नॉलेज करना, जो कि हर एक फूड सोल्जर जानता है और उस फूड सोल्जर की स्ट्रेटेजी ही इनको अपनानी पड़ेगी युद्ध जीतने के लिए। राइट स्ट्रेटेजी, रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और टाइमली एक्शन चाहिए, इसका डायग्राम आप बना सकते हो। तो प्रेजेंट चैलेंज कभी भी कोई भी डिसीज या पेंडेमिक का क्वेश्चन आ जाए तो ये बना सकते हो। राइट स्ट्रेटजी, रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ रिलेवेंट रिसोर्सेज, टाइमली एक्शन, ठीक है, तीनों स्ट्रेटजी, रिसोर्सेज और एक्शन प्रेजेंट चैलेंज को फेस करते समय ये सारे जो हैं चीज़ हमको करनी चाहिए। पहला तो मैं बताता हूँ आपको, शॉर्टेज ना हो ड्रग्स की, ड्रग की सप्लाई अच्छे से हो और सब कुछ जो है इधर उधर होता रहे, मोबिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज का होता रहे। जैसे चाइना, साउथ कोरिया, जिन कंट्रीज ने जो है ढंग से मैनेज कर लिया इसको, अपनी क्वालिटीज़, अपनी सप्लाईज बढ़ाते रहें। दूसरा, प्रोटोकॉल यहाँ पे आने चाहिए कि लॉजिस्टिक सप्लाई चेन जो है बनी रहे, ऐसा नहीं हो कि कोई कंट्री ने जो है सप्लाई चेन रोक दी। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैफिक रुकना नहीं चाहिए और यहाँ पे किसी तरीके का जो बैरियर है वो हट जाना चाहिए। तीसरा, इन्फॉर्मल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, भाई जिस तरीके से चाइना ने पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी उसकी वजह से आज जो कबाड़ा देखने को मिल रहा है, जो आज जो प्रॉब्लम सामने आई है, ये कभी ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होनी चाहिए। अब इससे सीख के हम क्या कर सकते हैं, जो आने वाले जो ड्रग जो बन रहे हैं, अब जो हम एक तरीके से ऐसी भी चीज़ें अपना रहे हैं, मान लो वैक्सीन बनने में 18 महीने लग जाएंगे, लेकिन जो पुराने जो ड्रग्स हैं हमारे, जो एंटी मलेरियल ड्रग्स, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोराइन और HIV के ड्रग्स हैं, कोई ट्यूबरक्लोसिस के ड्रग्स हैं, इनको सबको जो है मिला के इनका सबका एक बार कोरोना वायरस पे उपयोग करके देख सकते हैं, हो सकता है इनसे इलाज हो जाए। लेकिन इनके लिए उपयोग करने के लिए सारी कंट्रीज को साथ में आना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी और इसके लिए इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होनी चाहिए। तो ये तीसरी चीज़ जो है कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो है वो कर सकते हैं, क्रॉस कंट्री कोलेब्रेशन हो सकता है, भाई कंट्रीज़ मिलकर वैक्सीन और एंटीवायरल ड्रग्स के लिए ट्रायल कर सकती है, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे सकती है। और अगर आप और देरी करेगी ये दुनिया तो ये फिर जो है वापस आ सकता है। एक बार ये चला गया, शटडाउन रिलैक्स कर दिए, लोग बाहर आ गए, तो वापस भी आ सकता है। तो जरूरी है कि एक बार वैक्सीन पूरी तरीके से डेवलप हो जाए तब जाके आप शांति ले सकते हो। तो हो सकता है पूरी दुनिया में पूरी तरीके से लो हो जाए एक दो महीने में, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट करने में इसके लिए वैक्सीन और ड्रग्स बनने ही पड़ेंगे, जिसके लिए पूरी कंट्रीज को साथ में आना पड़ेगा, क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। और ये ऐसा नहीं है कि अभी हेल्प करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम अगर बन जाता है, जैसे सार्क को जिस तरीके से मोदी जी ने रिवाइव किया, लाइव कॉन्फ्रेंस कर गया, तो ऐसा तो है नहीं कि खत्म हो जाए COVID-19 के बाद। क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एंटी जो टूरिज्म है, इन सब में जो है इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में भी काम आएंगी, तो एक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए कहा था इस आर्टिकल में एक अपॉर्चुनिटी है। फिफ्थ जो है वो है कि ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल्स का ईजी मूवमेंट हो, भाई कई देश ऐसे हैं जिनमें हेल्थ प्रोफेशनल सही नहीं है, पूरी तरीके ट्रेंड नहीं है, तो रिसोर्सेज अच्छे तरीके से मूवमेंट हो, ठीक है। तो सारे नेशंस को मिलकर साथ आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, बेस्ट वीपन्स के साथ, टूल्स के साथ, एक तरीके से आर्मी हो गई है, ठीक है। सिक्स जो है कि आप कुछ लोगों को COVID-19 से बचा लोगे, लेकिन कुछ लोगों को भुखमरी कैसे बचाओगे। आप इंडिया के पास तो बफर स्टॉक पड़ा है, इंडिया के पास तो बहुत स्टॉक पड़ा है, बड़ा बड़ा सड़ रहा है गोदामों में, इतना है कि पूरे देश को बैठे बैठे खिला दे। लेकिन ये हमारे देश की बात, कई कंट्रीज़ ऐसी हैं वर्ल्ड में, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास खाने को नहीं है, माल न्यूट्रिशन की कमी, माल न्यूट्रिशन बढ़ सकता है, हंगर बढ़ सकता है, स्टारवेशन बढ़ सकता है, और कोरोना वायरस तो ठीक हो जाएगा लेकिन वो जिंदगियां भूख की वजह से खो देंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एक्शन चाहिए कि सारे मिलके जो है इस तरीके से पूरी इंसानियत को लेते साथ में चले। इवेंचुअली देर इज़ नो डाउट कि ह्यूमन टैलेंट जो है वो इस वायरस को हरा देगा, विल ट्रिम पावर, हरा देगा वायरस को। कुछ समय लगेंगे, कुछ महीना लगेगा हम अपनी विजीत को घोषित कर दें, फिर भी इकोनॉमिक जो डिवास्टेशन उसके बाद आएगा वो जैसे कि वर्ल्ड वार के बाद आया था बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो अभी इकोनॉमी जो है इन एक तरीके से जुड़ी हुई हैं, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हमको ग्लोबल इकोनॉमी का रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी हो, इंक्लूसिव हो, इक्विटेबल हो, यानी गरीबों को साथ में लेकर चलें, अमीरों गरीबों को साथ में लेकर चलें, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ को साथ में लेकर चलें, हर तरह के इंसान को साथ में लेकर चलें। इसके लिए आसान बात तो है नहीं, आपको हर चीज़ रिवाइव करनी पड़ेगी, नेगोशिएशंस, बैंकिंग सेक्टर, करेंसीज, कमोडिटी मार्केट्स। क्या इंडिया के पास पावर है कि वो इन सब सुपर पावर्स को मिलके कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन बढ़ा सकता है? क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? क्या इंडिया वापस एक विश्वगुरु बन सकता है? देखो, इतिहास तो यही कहता है कि जो सबसे कमज़ोर और जिसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हो वही ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाता है दुनिया में। अब देखो, भारत कर सकता है,
तो कर सकता है, क्योंकि सार्क में भी जिस तरीके से कदम उठाया गया उससे इम्प्रेस हो कि G20 में भी वर्चुअल जो है कॉन्फ्रेंसिंग हुई, अच्छी बात। लुकिंग बियॉन्ड जस्ट डायग्नोसिस एंड क्वारंटाइन, इसमें बात हो रही है कि जो ड्रग्स हैं हमारे ऑलरेडी जो यूज किए गए हैं उनको एक बार कोशिश करो उपयोग में लेने की, जबकि हाइड्रोक्सिल क्लोराइन है जो आपके एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं इन सबको यूज में लो, ताकि, अरे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि सिक्वेंसिंग क्या होती है। सिक्वेंसिंग भाई कोई भी जीन की जब सिक्वेंसिंग होती है, जीन का ही में होता है डीएनए में, तो डीएनए के सिक्वेंसिंग करते हैं। सिक्वेंसिंग का मतलब डिकोड करते हैं कि ये वायरस बना किससे, और ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इससे वैक्सीन बनती है। कोरोना वायरस आरएनए है, आरएनए को पहले डीएनए में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए में जीन होता है, और करीब माना जा रहा है कोविड-19 में इतने तो है नहीं कि इतना टाइम लग जाएगा, कुछ समय में इसका जो है डिकोड किया जा सकता है। और भारत ने तो दो सैंपल भी शेयर कर दिए SARS-CoV-2 वायरस के। कोविड-19 एक डिसीज है इस वायरस की, ध्यान रखना वायरस जो है उसका नाम है SARS-CoV-2, ठीक है। ये कोशिश ये की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर को अपनी बाउंड्री तोड़ के सरकार के साथ आना पड़ेगा, सरकार को मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा, ताकि जो वैक्सीन आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन ऑलरेडी हम जो है रैपिड रिस्पॉन्स रिसर्च के जरिए इसको रोक सकें। एन इनएडिक्वेट लॉकडाउन पैकेज, इसमें बात हो रही है किस तरीके से भारी जो है इनएडिक्वेसी दिखाई दे रही है लॉकडाउन पैकेज में। पहली बात तो जो पैसा है 1.7 लाख करोड़, यही अपने आप में कम बताया जा रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि जनधन अकाउंट के जरिए जो 500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे हर महीने, तो जनधन अकाउंट में जिन महिलाओं का अकाउंट है उनको ही 500 रुपये, तो करीब ऐसे मान लो 14 करोड़ महिलाएं हैं, बस 14 करोड़ अकाउंट है देश में 130 करोड़ की आबादी में, 14 करोड़ महिलाओं को जो है पैसा मिलेगा, वो भी 500 रुपये महीने के। बुजुर्गों को 1000 रुपये की पेंशन दी जा रही है, 3 करोड़ है देश भर में बुजुर्ग, करीब 3 करोड़ लोग जो है एलिजिबल है, 21 करोड़, तो केवल कुछ ही संख्या को कुछ ही पैसा दिया जा रहा है। तो कोशिश ये की जाए कि पैसे में बढ़ोतरी हो, फूड सप्लाई फटाफट डिस्ट्रीब्यूट हो। मनरेगा में भी आप देखोगे कि जो पैसा बढ़ाया गया है वो तब जब काम मिले, मनरेगा में काम मिले तब ना, काम मिलता ही नहीं है, तो कितना ही पैसा आप कह दो, कंपनी कह रही है हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए देंगे, इंजीनियर को कह रही है, अब उसको काम ही नहीं देगी, जॉब पे आने नहीं देगी, तो कैसे पैसा मिलेगा। तो मनरेगा के अंदर काम भी बढ़ाया जाए, सब कुछ सही किया जाए, और कोविड-19 से लड़ने के लिए हमको जो है जिस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स अभी बिना खान पीन के रह रहे हैं उनके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर पैकेज इतना ही अच्छा होता तो वर्कर्स बाहर निकलते क्यों। खैर इस मुसीबत के समय में हमको क्रिटिसिज्म कम से कम करना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो भी चैलेंज फेस कर रहे हैं, हम भी चैलेंज फेस कर रहे हैं। प्रश्न उठाइए, जरूर उठाइए, आपका हक है, डेमोक्रेसी मींस प्रोटेस्ट, लेकिन अभी नहीं, अभी समय है किस तरीके से सरकार का साथ दीजिए और सरकार की जो कमी छूट रही है वो आप भर दीजिए। अपने जो आसपास गरीब हैं उनको खाना खिलाइए, गरीब हैं उनको चाय वाय पिलाइए, और उनका प्रॉपर पुलिस वालों से बात करके इंतजाम कीजिए, लेकिन मिसमैनेजमेंट मत कीजिए, जो आप कर सकते हैं जो वास्तव में सबके लिए लाभदायक हो वही कीजिए। खाना पीना आप चाहे तो बिस्किट वगैरह बांट सकते हैं, ठीक है, ये सब जो है आप कर सकते हैं। अगर उनके रहने का बस का इंतजाम नहीं कर सकते या कुछ अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो वो पुलिस पे छोड़ दीजिए, लेकिन छोटी छोटी जो कमियां निकल के आ रही हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। सरकार पे प्रश्न उठाएंगे, बाद में उठाएंगे, लेकिन अभी कोविड-19 से सरकार को और हमको साथ आना पड़ेगा और इससे निपटना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए इससे हम जो है जरूर आगे बढ़ के आगे जीतेंगे, भारत जरूर जीतेगा। फ्रॉम एपैथी टू एक्शन, बात हो रही है सरकारों की, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकारों, जैसे केरला की बात करूं, केरला ने आंगनवाड़ी के जरिए एक केस आया था, एक कंफर्म, सारी जो है इन्होंने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर दिया, आंगनवाड़ी में फूड डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, लॉकडाउन इन्होंने शुरू कर दिया, दिल्ली में दिल्ली सरकार ने 72 लाख लोगों को फ्री में राशन देने का वादा कर दिया, यूपी चीफ मिनिस्टर ने जो है वेजेस बढ़ाने की घोषणा कर दी, सरकारें अपनी, तेलंगाना में जो है किचन, तमिलनाडु में कम्युनिटी किचन चल रही है, दिल्ली में कम्युनिटी किचन बढ़ रही है, स्केल अप कर रहे हैं उनको। तो एक तरीके से राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से सीखना चाहिए, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से सीखना चाहिए कि राज्य सरकार इस तरीके से करे, केंद्र सरकार किस तरीके से काम कर सकती है, और सारा का सारा राज्य सरकार पे ही जो है बोझ ना डाले। हालांकि केंद्र सरकार ने जो है सारे मंत्रियों को अलग अलग राज्य सौंप दिया, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है वो दे दिया राजस्थान, अपने मंत्रियों को अलग अलग राज्य की जिम्मेदारी दे दी,
हालांकि इसके लिए और जो है रिस्पॉन्स हमको अच्छा करना पड़ेगा, सेंटर को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।